इम्स हो, अब कैसे बताऊं? मैं ऐसा इसलिए जानता हूं क्योंकि मैं रहा हूं उसके साथ। मुझे तो कभी ऐसी फीलिंग भी नहीं आई कि वो किलर या स्पाई हो सकता है। दरअसल बड़ा ही स्वीट बंदा था, ऊपर वाले और सभी का ख्याल रखता था। 30 लोगों को छोड़ क्या दिया, तू तो उसका फैन ही बन गया। तुम्हारी ही तो गलती है ग्वांगडे, तुमने सबको ब्लाइंड डेट पर इनवाइट किया था। एरियम, तुम उसे ब्लेम नहीं कर सकती। मतलब हमें ब्लाइंड डेट पर इनवाइट करते हुए उसे थोड़ी पता था कि सो स्पाई। अच्छा, तुम बड़ा साइड ले रही हो, उसका लड़का पसंद आ गया क्या? नहीं, मतलब वो बात सुन, अब ये मत कहना कि तुझे। हाँ, सही समझा तुमने हैरियम। मैंने जब उस दिन इसे ओपन हाउस में देखा तो ये मेरे दिल में घुस गई और लगा जैसे डेस्टिनी को यही मंजूर था। घुस गए का क्या मतलब, ये तीर थोड़ी ना है जो घुस जाएगी। अरे लालची बंदर, कोई प्यार व्यार नहीं हुआ तुझे तो इसके पैसों के पीछे। तू ऐसा कैसे बोल सकता है? सोनी मेरे होठों की मुस्कुराहट है, मेरे लिए सूरज की पहली किरण है। तुझे मैं जिंदगी भर तुम्हारा ख्याल रखूंगा। चुप, मस्ती सूझ रही है? मन में लड्डू फूट रहा। जब तू उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं थी तो उसे छोड़ क्यों नहीं दिया? हाँ, एनीवे बिना रिंग के कोई प्रपोजल भी होता है क्या? ये तो शर्म की बात है। क्या बात है, तो फायदे भी तो लेते हैं। मत करो। तो हक है